हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने बनाया है झारखंड का बहुत ही ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड दुस्का। चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप चना दाल ले ली है, साथ में हमने 1/4 कप उड़द दाल ली है। तो चने और उड़द दाल को हमने रात में ही भिगा दिया था। इसको हमने अच्छे से धोकर इसका सारा पानी निकाल दिया है। और इसी के साथ हमने 1 कप चावल लिया है, इसको भी हमने रात में भिगा कर रख दिया था। आप इसके लिए कोई भी चावल ले सकते हैं, मोटा वाला चावल, महीन वाला या खिचड़ी वाला, कोई भी चावल से आप बना सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अभी हमें पीस लेना है। यहाँ पर हमने मिक्सी का जार ले लिया है, अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल को हम अलग से पीस लेते हैं, आप चाहें तो चावल और दाल को एक साथ भी पीस सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस ये अच्छे से पिस जाए इतना ही पानी डालना है। और इसके साथ हमने लगभग 1 इंच तक अदरक का टुकड़ा लिया है, साथ में 4 हरी मिर्च ली हैं, इसको भी डाल देंगे। साथ में इसको भी हमें पीस लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमने पीस कर तैयार कर ली हैं। चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने 1 चम्मच जीरा लिया है, इसको डाल देंगे। और इसके साथ हम डालेंगे लगभग आधा छोटा चम्मच तक हींग, साथ में डालेंगे 1 चम्मच तक हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तक नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसके साथ हम डालेंगे लगभग 1 कप तक बारीक कटी हुई हरी धनिया। सारी चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसके अंदर हम इनो या सोडा कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से हाथों से फेंटना है जब तक ये बिल्कुल फ्लफी नहीं हो जाते। अगर आपको मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप चीले या दोसे का घोल तैयार करते हैं उसी तरीके से हमें घोल तैयार करना है। बस इसे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लेना है जब तक कि हमारा बैटर एकदम अच्छे से फूल नहीं जाता। तो आप देख सकते हैं बैटर हमारा बहुत ही अच्छे से फूल गया। हमने इसमें इनो सोडा कुछ भी नहीं डाला है, बस इसको हमने हाथों से बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लिया है। यहाँ पर हमने तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो एक साइड हमारा तेल गर्म हो रहा है, दूसरी साइड हमने छोले पकने के लिए रख दिए हैं। ये झारखंड में आलू की सब्जी के साथ या आलू टमाटर की सब्जी के साथ सर्व किया जाता है। यहाँ पर आज हम छोले बना रहे हैं। तो ये दुस्का छोले के साथ भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप भी छोले के साथ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम 1 कलछी में बैटर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको हम डाल देंगे। तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा या छोटा जैसा भी बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़े छोटे साइज़ का बना रहे हैं, और अगर आप इसे फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसे पैन के ऊपर भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम घोल को तेल के अंदर डालते जाएंगे और आंच को हम यहाँ पर तेज़ रखेंगे। तेज़ आंच पर एक साइड से बिल्कुल अच्छे से क्रिस्प होने तक पकाएंगे, फिर हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी बिल्कुल क्रिस्प होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो अभी हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प और अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस एक बार आप घोल तैयार करके इसको फ्राई कर लें और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा दुस्का बनकर तैयार हो गया है, इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ और छोले के साथ। आप छोला या सब्जी कुछ भी बनाना चाहें तो आप अपनी पसंद से बना सकते हैं।